हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि मैं अपने टूल्स के लिए एक पेगबोर्ड बनाऊं, क्योंकि मेरे टूल्स काफ़ी सारे हो रहे थे और जगह बिल्कुल नहीं हो रही थी। सो उसके लिए मैं पहले गया होम डिपो, वहाँ पे मैंने सपोर्टिंग स्टड्स लिए जो मैं वॉल पे लगाऊंगा। सो ये है 1x2 के ट्रिप्स जो मैंने वॉल पे लगाए। इसके बाद मैंने लिए साइड के, मेरा प्लान था कि पेगबोर्ड के साइड में एक फ्रेम बनाऊंगा। ये जो स्ट्रिप्स थे फ्रेम वाले, ये बाय फीट मिले थे एंड देयर वाज अ कटिंग स्टेशन जहाँ पे हम खुद काट सकते थे इनको, तो मैंने उसको मेजरमेंट के हिसाब से काटे। वॉशर साथ में लगाने थे क्योंकि पेगबोर्ड का जो होल्स है, एग्जिस्टिंग होल्स, वो स्क्रूज के थ्रू जा रहे थे, इसलिए मैंने उसके लिए वॉशर्स भी लिए थे। वॉशर्स लेके हमारा नेक्स्ट था पेंट देखने के लिए। वापस घर आके हमने ब्लैक पेंट करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ अ रोलर, ट्रे में डाल के। पहले मैंने इसको कार्डबोर्ड पे थोड़ा टेस्ट करा, क्योंकि मैंने एक दो वीडियो देखे तो उन्होंने कहा था कि इसको थोड़ा सा कार्डबोर्ड पे लगाओ एंड देन स्टार्ट रोलिंग इट ऑन अ पेग बोर्ड। सो ये फिनिश दो कोट से आई, बट पहली कोट में ही आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद द कलर ऑफ जो हमने चूज़ किया था, क्योंकि ब्लैक के बहुत सारे ऑप्शन थे वहाँ पर। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, फिर उसके बाद मैंने जो पीछे के सपोर्ट की स्ट्रिप्स है, मैंने उनको ब्लैक पेंट करना शुरू किया। टुडे इज डे टू ऑफ आवर प्रोजेक्ट। कल हमने एक कोट पेगबोर्ड पे पेंट कर दिया था एंड जो उसके पीछे के स्टड्स है, सॉरी, जो उसके फ्रेमिंग के लिए, सपोर्ट के लिए हम वॉल पे लगाएंगे, उसको भी हमने पेंट कर दिया। अब आज हम करेंगे दूसरा कोट, और जो ये होल्स हैं हम उनको भी ब्लैक पेंट करेंगे, क्योंकि ये एक एंगल से मुझे ब्राउन दिखेंगे और वो बहुत भद्दा लगेगा, इसलिए दूसरा कोट एंड होल्स फिलिंग टुडे। ये होल्स भरना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। अंकिता वॉज़ वेरी हेल्पफुल कि उसने बहुत मेरी हेल्प करी इसमें। हमें लिटरली 2 घंटे लग गए थे सारे होल्स भरने में। मैंने फालतू की लकड़ी ले ली थी ये होल्स भरने के लिए, बट एट द एंड बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि कोई कोई में ब्राउन था, कोई कोई में ब्लैक था। सो वो बाद में बहुत ख़राब लगता है, इसलिए हमने सोचा कि हम सारा ही ब्लैक कर देंगे। एंड फाइनल रिजल्ट ऐसा दिख रहा था जब हमने इसको दो सेकेंड कोट भी कर दिया। 2 पैनल्स थे और उसके ऊपर हमने उस स्ट्रिप्स लगाई थी। मेरा नेक्स्ट था कि वॉल्स पे मैं स्टड्स चेक करूँ जहाँ जहाँ स्टड्स है, तो दिस वॉज अ स्टड फाइंडर। उसकी हेल्प से मैंने सारे स्टड्स जहाँ जहाँ थे वॉल में, विच वॉज 16 इंचज़ अपार्ट हमारे घर में, सो वहाँ वहाँ मैंने पेंसिल से एक मार्क कर दिया, ताकि उसी जो फरिंग स्ट्रिप्स है वो वॉल पे मैं स्टड्स पे लगाऊंगा। सो ये जो फरिंग स्ट्रिप्स थे, ये मैंने रियोबी के माइटर सॉ की हेल्प से मेजर करके, हमें एक एक्चुअली फ्रेम बनाना था, सो मेजरमेंट्स पे अंकिता ने मेरी हेल्प करी और उसके बाद मैंने माइटर सॉ से ये फ्रेम बनाया। हमने लेवल करके इसको स्टड्स पे लगाया। वी मेड श्योर कि पहले हम इसको प्री ड्रिल करें होल्स, और फिर हम स्क्रूज लगाए ताकि जो वुड है वो स्प्लिट ना हो जाए और लेवल पे रहे सब कुछ। जैसे हमने हर जहाँ पे स्टड्स मार्क करे थे वहाँ पे हमने स्क्रू कर दिया अपना ये बेस। से हमने सारा फ्रेम स्टड्स पे किया। वी मेड श्योर कि जो साइड के दोनों सपोर्ट बार्स थे वो स्टड्स पे ही स्क्रू इन हों।
हमने फिर डिसाइड किया कि हमें बीच में भी स्टड्स पे दो और सपोर्ट बार्स लगाने चाहिए। जो हमारा पेग बोर्ड था वो दो पीसेज में था, सेंटर में हमें कोई सपोर्ट की ज़रूरत थी। ये सारा जितना हम स्टड पे सपोर्ट बार्स डालेंगे उतना ही स्टर्डी रहेगा, उतना ही अपना वेट होल्ड कर पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ पेग बोर्ड्स का वेट नहीं, टूल्स का वेट भी उठाने वाला है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितना हो सके सपोर्ट दें। तो ये हमारा बेस फ्रेम रेडी हो गया है और इस पर फिर हम पेग बोर्ड्स इंस्टॉल करेंगे। हमारा पेग बोर्ड थोड़ा फ्रेम से बाहर जा रहा था, इसलिए हमें दोनों पेग बोर्ड्स को अबाउट 5 इंचेस काटना पड़ा एंड दिस वाज यूजिंग अ सर्कुलर सॉ। फ्रेम तैयार होने के बाद मैंने इस पे साइड में एलईडी लाइट स्ट्रिप्स लगाई थी। ये मेरा प्लान पहले से ही था कि मैं साइड में लाइट स्ट्रिप्स लगाऊंगा, तभी मैंने फ्रेम के ऊपर पेग बोर्ड लगाया रादर देन पेग बोर्ड डायरेक्टली वॉल पर लगाने के लिए। सो दीज वर एलईडी लाइट स्ट्रिप आई बॉट फ्रॉम अमेजोन, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वाली लाइट स्ट्रिप्स भी आई थिंक 32 फीट की थी, विच वॉज़ क्वाइट सफिशेंट फॉर द फ्रेम। पूरा फ्रेम कवर हो गया और एक्स्ट्रा भी बच गई थी। दीज आर अगेन एलेक्सा कंपैटिबल, जो मैं अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकता हूँ। हमारा नेक्स्ट था पेग बोर्ड को फ्रेम पे इंस्टॉल करना, मेड श्योर कि वो बैलेंस हो पेग बोर्ड, एंड देन विद द हेल्प ऑफ वॉशर्स एंड द स्मॉल स्क्रूज जो मैंने खरीदे थे होम डिपो से, उसके ये दो पैनल्स थे, फिर दोनों का लाइन करके इट वाज वेरी इजी कि मैं बस फरिंग स्ट्रिप्स जो मैंने फ्रेम बनाई थी मुझे फ्रेम्स में इसको ड्रिल करना था। यहाँ पर भी मैंने पहले इनको प्री ड्रिल किया सो दैट वो जो पीछे की स्ट्रिप है वो स्प्लिट ना हो, एंड देन विद द हेल्प ऑफ इम्पैक्ट ड्राइवर आई कंटिन्यूड विद putting all the screws. ऐसे ही मैंने सारे स्क्रूज लगाए और यहाँ पर अंकिता ने अपना परफेक्शनिस्ट काम करते हुए दिखाया कि वो ब्लैक पेंट, उसने एक एक स्क्रू जो थे सिल्वर कलर के उनको ब्लैक पेंट करा। ये मैंने अब देन साइड के जो फ्रेम्स थे ये 45 डिग्री एंगल्स पे मैंने कट करना शुरू किया। इस माइटर सॉ में एक ऑप्शन था दोनों 45 डिग्री कट करने का, एंड देन आई स्टार्टेड पेंटिंग विद द रायोबी ग्रीन जो हमारे होम डिपो की रिप्रेजेंटेटिव ने बहुत हेल्प करी ये बिल्कुल एग्जैक्ट नियरेस्ट कलर चूज़ करने का, बिकॉज दिस वॉज नॉट ऑन द ऑन देयर डिस्प्ले वॉल। पेंट होने के बाद इसके पीछे हमने वुड ग्लू लगाई, एंड वुड ग्लू वॉजन सफिशेंट पेग बोर्ड को चिपकाने के लिए। सो जैसे ही हमने वुड ग्लू लगाई उसके बाद मैंने ये ब्रैड नेलर से इसको नेल्स करना शुरू कर दिया, एंड देन दिस वॉल वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीट एंड इट लुक ब्यूटिफुल। फाइनल था मेरा जो मेरे टूल्स है वो वॉल पे चढ़ाने के, एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट।
पेगबोर्ड का प्रोजेक्ट जो काफी टाइम से पेंडिंग था। अंकिता मुझे हमेशा मना करती थी कि अभी कोई जरूरत नहीं है, बट मेरे टूल्स बढ़ते जा रहे थे। एक्चुअली टूल्स नहीं, मेरे टॉय चाहिए। सो अब मुझे जगह काफी मिल गई है और अभी भी यहाँ पे काफी जगह बची है, इसमें मैं और भी टूल्स खरीदूंगा और यहाँ लगाएंगे। फिर काफी अच्छा दिखेगा। ये सारे टूल्स हम अपने आगे डीआईवाई वाले प्रोजेक्ट्स में सारे यूज करेंगे, एंड यू ऑल्सो गेट टू नो कि कौन से टूल्स किस चीज के लिए यूज होते हैं। एंड अगर आपको आपके पास कोई और आइडियाज है मेरे गैराज के लिए, तो प्लीज डू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। एंड इफ यू हैवन ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू दैट। टेक केयर, थैंक्स, बाय।